नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वार्ड्स केयर। आज इस वीडियो में मैं डाइजेशन मेडिसिन के ऊपर बात करूंगा। कौन सा डाइजेशन मेडिसिन किस टाइम पे आपको देना चाहिए या कौन सा बेस्ट मेडिसिन है मेरे हिसाब से। मैं कोई या कोई पेड प्रमोशन नहीं है जो किसी के लिए मैं उसको मतलब प्रमोट कर रही हूँ, ऐसे नहीं है। मेरे को जो सही लगा, मैं जो चिकित्सा करता हूँ उसी के हिसाब से एलोपैथिक होम्योपैथिक दोनों बताऊँगा। और नेचुरल तो है ही, आप लोग जानते ही हो। और पहले ही मतलब वो नेचुरल में पहले बता दूंगा दो दिन, मतलब पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे अजवाइन, जीरा, सौंफ, गुड़ जो पानी है, पुदीना का पानी है, अदरक का पानी है, तो नेचुरल हो गया। बाकी होम्योपैथिक एलोपैथिक में कौन सा मेडिसिन है ये ज़रूर देख लेना, अभी सुन लीजिए। देखिए, और एक बात, वीडियो शुरू करने से पहले, मेन टॉपिक में जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। मैंने और एक पुराने चैनल है जहाँ पे मैंने बार्स का सिर्फ होम्योपैथिक के ऊपर बताऊँगा, नेचुरल कुछ चीज़ में वहाँ पे भी बताऊँगा, और रेकी हीलिंग के ऊपर जो मैं काम करता हूँ वहाँ पे आप लोगों को सिखाऊँगा। वो उसका नाम है, नीचे देखिए चैनल डिस्क्रिप्शन, एकदम डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, उसका नाम है रेकी, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी फॉर एनिमल फाउंडेशन। ये एक बार यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, या ये मतलब ये चैनल का होम पेज में जाइए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, मेरा जो अदर्स चैनल है उसका लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे एक दिन गैप गैप देके वीडियो आएगा। आज भी एक वीडियो आया है, एक सेल जो अंडा का जो छिलका होता है ना, कितना वैल्यूएबल बेनिफिशियल है बर्ड्स के लिए, ब्रीडिंग टाइम पे या हेल्थ के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एलोपैथी में मैं जो आप लोग नियोपेप्टिन के बारे में जानते हो, इंडिया में जो रहते हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन है। नियोपेप्टिन एक अच्छा गुड मेडिसिन है, लेकिन ये डिपेंडेंसी हो जाता है कभी कभी, मतलब ये आप दोगे नहीं तो बार्स डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, ये तो ठीक नहीं है ना। आप देखिए, सभी का खुद का एक डाइजेशन सिस्टम होता है, शरीर खुद डाइजेस्ट करने लगते हैं, हर कोई तो दवा पी के डाइजेस्ट नहीं करते ना। लेकिन हाँ, अगर इंसान हो या बार्स हो या कोई एनिमल हो, बीमार पड़ते हैं, इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम लोग एक सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, चाहे होम्योपैथिक में हो, नेचुरल हो या एलोपैथिक में, जो उसके लिए सही है, उस टाइम के लिए सही है। डाइजेशन के भी अलग अलग मतलब अलग अलग बात है, जो चाहे मान लीजिए फूड पॉइजनिंग के वजह से इंडाइजेशन हो रहा है, शरीर में कुछ लीवर प्रॉब्लम हुआ है उस टाइम के लिए हो रहा है, खाना जो सीड्स खा रहे हैं या कुछ भी सॉफ्ट फूड खा रहे हैं पॉटी के साथ निकल जा रहे हैं, खुद का पॉटी खुद खान मतलब बार्स मतलब इंटैक्ट करते हैं, ये सारे चीज़ में मैं सजेस्ट करूँगा विटाजाइन। देखिए, ये एलोपैथिक मेडिसिन है विटाजाइन, वो इंडिया पे तो अवेलेबल है। ये अब ढूंढ मतलब जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी देख रहे हो, इसका कॉम्बिनेशन में हम आपको, मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, बता दूंगा, उसी कॉम्बिनेशन का मेडिसिन आप लोग उधर भी मिल जाएगा। विटाजाइन को ये एक सिरप है, एडल्ट सिरप है, छोटे बार्स, बड़े बार्स, हैंडपिट के साथ या इंडाइजेशन प्रॉब्लम हुआ है, भर भर के पानी मतलब पानी जैसे पोटी कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। बेबी बार्ड है, अगर छोटे बार्ड है, एकदम चिक्स है जिसको कहा जाता है, उसको आप बॉनिसॉन यूज़ कीजिए। नियोपेप्टिन को थोड़ा सा अवॉइड करके बॉनिसॉन यूज़ कीजिए, हिमालय बॉनिसॉन देख लीजिए, थोड़ा सा फ्रंट कैमरा लाइट, हाँ इधर देखिए, बॉनिसॉन हिमालय ऐसे दिखता है इंडिया पे। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है, हम लोग छोटे उम्र पर ग्राइप वाटर खाते थे ना, पीते थे ना, ऐसे जो, या सौंफ का पानी भी बोल सकते हो, सौंफ को पानी में भिगो के ऐसे भी टेस्ट अब महसूस करोगे, सौंफ भी डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। उसका मॉडिफाइड वर्जन मतलब मेडिसिन रूप में बॉनिसॉन को आप यूज़ करके, जैसे मैंने बताया था, देखिएगा जो एम्बिप्लेक्स के साथ बॉनिसॉन दीजिए, तो बॉनिसॉन आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो। तो ये दोनों मेडिसिन में एलोपैथी, एलोपैथी में बहुत सारे, जैसे कार्मोजाइम है, कार्मोजाइम सिरप है आपका, विटाजाइम, इसका ड्रॉप भी मिलता है, ठीक है, बच्चों के लिए ये ड्रॉप भी मिलता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ये छोटे बड़े कोई भी बार्स को आप प्रोवाइड, और फिंचेस हो या जावा हो या कनूर हो या मैकाओ हो, कोई भी किसी को भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो मैं, चलिए होम्योपैथिक में कन्वर्ट करते हैं मतलब जाते हैं, होम्योपैथिक में एक अच्छा गुड मेडिसिन है सोयाबीन इंडिया का, डाइजेस्टर, इधर देखिए डाइजेस्टर, मैं पॉन्ड कैमरा से शूट कर रही हूँ, वैसे लग रहा है उल्टा लग रहा है, डाइजेस्टर, इसमें बहुत सारे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन से ये मेडिसिन बनाया जाता है, आप ट्राई करके देखिए। और एक है ऑल एंजाइम बोल के वीडियो है मेरा, ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो है ऑल एंजाइम, आप वो भी सोएब का या हाँ सोएब इंडिया का ही है, ऑल एंजाइम एक बार सर्च कीजिए नेट पे, ऑल एंजाइम, वहाँ पे तरह तरह का मेडिसिन देखे, जैसे इसका इंग्रेडिएंट्स के भीतर एक दो तीन चार पाँच बहुत सारे अच्छा अच्छा मेडिसिन है यहाँ पे, जो जिंजीबार मादार ये सारे चीज़ है,
तो ये जरूर यूज़ कीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। छोटे बड़े कोई भी बार्स को कोई भी सिचुएशन पे ये यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी में दोगे तो अच्छा होगा बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए नॉर्मल पानी में ज़रूर यूज़ कीजिए, या हैंड फिट के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और एक जो मैंने बताया ऑल एंजाइम, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख कर दूंगा आप लोगों को। बाकी जो पड़ा रहा जो रॉ मेडिसिन है होम्योपैथिक में, जो पोटेंसी वाला मेडिसिन है, जैसे मान लीजिए नक्स भूमिका 30, काल्मेक मादर, और जैसे जिंजीवार मादर, रूबिनिया 30, ये सारी चीज़ मैं लिख दूंगा आपको मेडिसिन का नाम। ये अच्छा डाइजेशन मेडिसिन है, कोई भी सिचुएशन पे अच्छा अच्छा काम करते हैं। देखिए अलग इनडाइजेशन प्रॉब्लम है या लूज मोशन हो रहा है, पानी भर भर के निकल रहा है पॉटी के साथ, ये मतलब ट्रीटमेंट अलग होगा। लेकिन सिर्फ डाइजेशन का कुछ प्रॉब्लम है, आप कोई भी मतलब इतना वैरायटीज़, इसलिए ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है कि जो आप लोगों को जो हाथों के सामने मिले, शॉप में मिले, दुकान में मिले, वो खरीद के आप पिला सकते हो, इसको इंटैक्ट करने के लिए दे सकते हो। तो नक्स भूमिका 30, कार्बोवेस 30, काल्मेक मादार, उसके साथ जिंजीवार मादार जो अदरक से बनाया जाता है, उसके साथ साथ ऑसिमम सेंटम मादार भी डाइजेशन में काम करते हैं। देखिए दोनों वेराइटीज़ में मतलब दोनों साइड में एलोपैथिक में भी बहुत सारे डाइजेशन मेडिसिन है, जैसे माइजाइम बोल के एक मेडिसिन है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना विटाजाइम, तेमनी माइजाइम बोल के एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा है। हर शॉप में मेल नहीं मिलता है लेकिन हम लोगों के इधर अवेलेबल है। मैं जब एलोपैथिक यूज़ करते थे, और ये मेडिसिन देख लीजिए इसका एक्सपायर हो चुका है लेकिन पिलाया नहीं, क्योंकि मैं नेचुरल में बिलीव करता हूँ। नेचुरल मैंने ख़रीदा था दो साल पहले, अभी डस्ट हो गया था, गंदा हो गया था, तो साफ़ करके वीडियो बनाने के लिए आए। देखिए पूरा इंटैक्ट है, अभी तो सील पैक भी ओपन नहीं है, तो ये वीडियो में काम आ गया। तो इसीलिए ये सारे डाइजेशन मेडिसिन आप ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपका बार्स का लीवर बोलिए, इंडाइजेशन प्रॉब्लम बोलिए, या जो आप मान लीजिए जो खाना कभी कभी देखिएगा खाने के साथ सीड निकल रहा है या कोई खाना निकल रहा है, तो उस टाइम पे आप काम कीजिएगा विटाजाइम, ठीक है। विटाजाइम के साथ कोई लीवर मेडिसिन जैसे ब्रोटोन हो गया, लिप 52 को अवॉइड कीजिए, विटा आपका मेरी लिप, स्टीमुली, ये सारे जो डाइजेशन या ब्रोटोन वेटनरी में मिलता है ये ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे इसको छोड़ के होम्योपैथिक में हम लोग अगर समझे आज ये सारे चीज़, ये जो कॉम्बिनेशन में अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, ये और भी अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने ई बुक में डिज़ाइन किया है, और ये कल रिलीज़ हो रहा है, तो जो लोग बुक कर चुके हो लोगों को मिल जाएगा, जो वहाँ पे आपको वैरायटीज़ मिल जाएगा, ऑप्शन और भी ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी मान लीजिए भर भर के पानी के साथ जो सीड्स निकल रहा है पॉटी के साथ, वो डाइजेस्ट सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो डाइजेस्टर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा मेडिसिन है। नहीं तो आप जिंजीवार मादार के साथ नक्स भूमिका 30 यूज़ कीजिए। ये कॉम्बिनेशन मेरा खुद का है, मैं अभी बोल रही हूँ, ये करके देखिए, मेरा वीडियो में लिख लीजिए। देखिए इतने सारे ऑप्शन में लिख नहीं सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, टाइम लग जाता है, और तीनों चैनल पे वीडियो, और भी चैनल है अलग अलग सब्जेक्ट पे, वहाँ पे वीडियो डालना, फेसबुक में जो लोग फॉलो करते हैं वहाँ पे वीडियो डालना कोई आम बात नहीं है, जो 24 आवर्स के भीतर ही सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ करके देखिए, डाइजेशन में आपका बहुत मदद मिल जाएगा ये सारे मेडिसिन से। बाकी कुछ कॉम्बिनेशन में लिख कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ से आप उठा लीजिएगा, और वो चैनल भी फॉलो कर लीजिए जो शुरुआत में बोला, वहाँ पे होम्योपैथिक में डिटेल बात करूँगा, नेचुरल में और भी डिटेल बात करूँगा, क्योंकि चैनल है तो काम के देखिए। और उसके साथ साथ जो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और आप लोगों का हाँ, और एक बात जाते जाते यहाँ तक जो लोग वीडियो देख रहे हो इस चैनल पे, मैं मेरे हिसाब से वीडियो बनूंगा, उस चैनल पे आप लोगों का जो राय है ज़्यादा इसके ऊपर वीडियो, जैसे एक आज का जो वीडियो उधर लॉन्च हो रहा है एक का छिलका, अंडा का छिलका, जो एक कमेंट्स आया था जिसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आप उधर उस चैनल पे जाके कमेंट्स कर दीजिए ज़्यादा इसके ऊपर वीडियो बनाइए, ये आप लोगों के मुताबिक मैं उधर उस चैनल पे वीडियो बनाऊंगा जो यूनिवर्सल एनर्जी फॉर एनिमल फाउंडेशन। नमस्कार।